हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स की। लास्ट सीजन में आप लोगों ने देख लगता था कि मैंने आपको एल्कीन की नेमिंग और एल्काइन की नेमिंग बताई थी। साथ ही मैंने जो रिसेंट मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको हेलो एल्कीन्स की भी नेमिंग बता रखा था। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं और आज देखते हैं एल्कोहल्स की नेमिंग। ठीक, तो क्या होता है कि एल्कोहल ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर ओ एच। ठीक है, आर ओ एच होता है। अगर ये प्रीफिक्स के फॉर्म में आया, ठीक है, प्रीफिक्स के फॉर्म में मतलब ये आ गया है प्लूरल के रूप में, तो क्या लगाएंगे यहां पे, हाइड्रोक्सी लगाते हैं इसके लिए। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है इसके लिए हाइड्रोक्सी का इस्तेमाल होता है। और अगर ये अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न या सफिक्स के रूप में आता है तो इसके लिए ऑल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि कब ये प्रीफिक्स के रूप में आएगा, मतलब कब ये पूर्णलिंगी के रूप में आएगा, कब ये अनुलग्नी के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलोएल्कीन या हेलोएल्कीन या हेलोएल्काइन, इन सब में जो वरीयता है, जो प्रायोरिटी है, वो एल्कोहल की क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर अभी तक जितनी नेमिंग मैंने आपको बताई है अभी तक एल्कोहल सबसे ऊपर रहने वाला है। एल्कोहल के बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका हाइड्रोजन और फिर आपका आता है एल्कीन। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, अब अगर कहीं नेमिंग करने की बात हो गई, ठीक है, तो नेमिंग करते कैसे हैं, तो बहुत आसान है। ठीक, जैसे इसका नाम जो होता है एल्कोहल का, जो आईयूपीएसी नेम होता है, ये होता है एल्केन लिखा है, इसका ई हटाते हैं और ऑल जोड़ते हैं। ठीक है, ई हटा के ऑल जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। हिंदी में इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें दो
कार्बन की है। अब बात नंबरिंग करने की आई, दो तरीके हैं, या तो नंबरिंग इधर से करें या तो नंबरिंग इधर से करें, ठीक है, वन टू, या फिर एक तरीका ये है वन टू, ठीक है। तो आप देख रहे ऊपर लेबलिंग है, इसमें एल्कोहल वाले कार्बन में क्या मिला है, छोटा नंबर मिल रखा है, एल्कोहल वाले कार्बन को छोटा नंबर मिला है। और इस वाले नेबलिंग में नीचे से शुरू हुई है, इसमें एल्कोहल को दो नंबर मिल रखा है, क्योंकि एल्कोहल आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए ना। तो जब छोटा नंबर वाला केस कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इसका मतलब ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है, ठीक। अब देखिए आपका काम हो गया, यहाँ पे दो कार्बन है, कोई ब्रांच है नहीं, कोई भी ब्रांच यहाँ पे नहीं है। तो जब कोई ब्रांच नहीं है तो ये वाली चीज तो कैंसिल हो गई, ये हमको लिखना ही नहीं, ठीक। इसके अंदर नंबर पड़ रहे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन के रूप पर इथेन आता है, ठीक है, इथेन आता है ऊपर, ध्यान रखेंगे। लेकिन इथेन का ई हटा के और एल्कोहल, कौन से कार्बन पे एल्कोहल है, एक नंबर, इथेन वन ऑल, ये इसका नाम है, इथेनॉल भी बोल सकते हैं, इथेन वन ऑल बोल सकते हैं, ये ई नहीं रहने पर ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का एक रूल है, कार्बनिक नामकरण का एक रूल है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का, कि कभी भी दो स्वर अंग्रेजी के दो स्वर एक साथ नहीं आ सकते, इसी वजह से ई यहां पे हटा दिया गया। हिंदी में इसका नाम एथेन, ऐसे लिखा है वन और ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको चीजें क्लियर होंगी। ये कुछ नाम देखते हैं, CH3, CH2, CH2OH, ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, तो चयन करने के बाद आपको ये तीन कार्बन मिलते हैं। नंबर एक ऑब्वियस है, अभी तक आप समझ गए होंगे, नंबर एक इधर से करनी है, वन टू थ्री, ठीक है, ये नंबर एक करनी है। नंबर एक करने के बाद कोई ब्रांच वगैरह दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो जब नहीं दिख रही है तो क्या करना होगा, ग्रुप वर्ड यहाँ पे है प्रोपेन, ई हटा दिया है, देखिए ई लिखते हैं, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, और आप ई हटा दें, क्यों हटा दें, क्योंकि ऑल जो है एल्कोहल को जो सफिक्स है अनुलग्न जो है ऑल वो वॉवल से शुरू हो रहा है, ठीक है, इस वजह से दो वॉवल लिख सकते हैं, प्रोपेन वन और, ये हो गया। हिंदी में नाम लिखेंगे वन और, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे CH3, CH, OH, CH, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अच्छा एक और चीज, कार्बन को एल्कोहल को छोटा नंबर देने के चक्कर में नंबरिंग यहाँ से शुरू करिएगा। सबसे पहला काम ये होता है आपको कार्बन श्रृंखला का चयन करना, और ऐसे चयन करना होता है कि वे सभी कार्बन जिनसे कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जिसको हिंदी में बोलते हैं वो जुड़े हुए हों और वो उस चेन में कवर हो जाए। मैंने कहा कि आपको कार्बन की जो नंबरिंग करनी होती है, कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है, वो इस तरीके से करना होता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले जो कार्बन हैं, मतलब जितने भी आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हैं जो जुड़े हुए हैं सब के सब कवर है, ठीक है, और तब आपको कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे आपकी जो कार्बन चेन है वो ये होगी, क्यों होगी, देखिए क्योंकि जो एल्कोहल है वो किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, पिछले कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन आपकी मुख्य श्रृंखला में मेन चेन में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे सिलेक्ट करना है, ऐसा करें मत करिएगा कि बस ये मेरे छोटा वाला एक नंबर देने के चक्कर में ये कार्बन छोड़ दीजिए, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो अब आप ये नंबर करें वन टू थ्री,
रूप में ही आएगा, अनुलग्न के रूप में आएगा क्योंकि सबसे अधिक वही का स्थिति है। तो यहाँ पे नाम आएगा देखिए प्रोपेन, और एल्कोहल की पोजीशन क्या है, एल्कोहल किस कार्बन पे लगा है, दो नंबर पे, तो प्रोपेन टू और ठीक है इंग्लिश में लिखेंगे प्रोपेन टू और। पहला डेटर होगा एक नंबर, एक नंबर और पूरी कंटिन्यूटी मेंटेन है, ये चीज आप हमेशा मार्क करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं CH3COH CH3CH2CH, देखें ये नाम है तो कुछ कठिन नहीं है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है और ऐसे करना है जिससे ये एल्कोहल वाला कार्बन और ये जो एल्किल ग्रुप वाला कार्बन है कवर है, क्योंकि यही दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप या थोड़े से अलग अलग हैं, यही विशिष्ट लोग हैं और इन्हीं का चयन आपको करके चलना है। तो ये देखिए हमारी कार्बन चेन क्या हो गई, ये हो गई, हो गया ना। नंबर करने के दो तरीके कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग करने के दो तरीके हो गए। तरीका ये है, इस तरीके में एल्किल ग्रुप को मिला है 3 नंबर और एल्कोहल को मिला है 4, ठीक है एल्कोहल को मिला 4। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है ऐसी सारी नंबरिंग वगैरह दिखाई जाती है, ये पार्ट है नेमिंग का एक पार्ट है, इसको आप अलग से रफ और समझ के मत करिएगा, ठीक है। अच्छा तो इस वाले नंबरिंग में अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं, ये साइड से देखा तो ये 3 और 4 नंबर मिले, अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो एल्कोहल को मिला है 2 नंबर, ब्रांच मिला 3, देखना है बताइए नंबरिंग कितने करेंगे। ऑब्वियस है वरीयता किसकी है, किसकी वरीयता है एल्कोहल की वरीयता है ना, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है एल्कोहलिक ग्रुप की ज्यादा है, तो यहाँ की जो नंबरिंग है ये सही है और ये जो नंबरिंग है क्या है गलत है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया, नेमिंग की बात की है तो अब देखिए यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच है ना, और ब्रांच कौन है, ये मेथिल, ठीक है इसकी ब्रांच में समझिएगा कि इसकी वरीयता ज्यादा है, अगर इससे भी वरीय कोई आ जाएगा जिसकी प्रायोरिटी एल्कोहल से भी ज्यादा होगी तब ये एज ए ब्रांच एज ए शाखा ट्रीट होगा। अभी तक नहीं, अभी तक आपने जितने भी क्रियात्मक समूह पढ़े हैं उन सब में सबसे अधिक वरीय क्या है एल्कोहल है, तो मैं आपको इससे पहले बता रहा हूँ एल्किल को एल्कीन बताया था, फिर एल्काइन बताया, फिर आपको हेलोजन बताया, तो उसके बाद ये एल्कोहल जो बता रहा है अभी तक सबसे वरीय है, ठीक है। अगर एल्कोहल से भी ज्यादा कोई वरीय आ गया तो एल्कोहल ऐसे ब्रांच ट्रीट होगा, ठीक है प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसकी प्रायोरिटी एल्कोहलिक ग्रुप से ज्यादा होती है तो एल्कोहल क्या होगा ब्रांच जैसा ट्रीट होगा। तो अभी यहाँ ब्रांच है ठीक है, ब्रांच है नहीं, तो अभी आपको जनरली हमने दी थी अभी तो मैं जानते हैं जनरली हमने दी थी उसमें से पहले आता ब्रांच नाम, कोई भी ब्रांच जो होती है हमेशा पहले लिखी जाती है, सिर्फ यही नहीं कहीं भी आप लिखेंगे ब्रांच हमेशा पहले लिखी जाएगी। तो ब्रांच क्या है, तीन नंबर पर मिलते हैं थ्री मैथिल, इसके बाद देखिए और कुछ बचा है नहीं बचा, ठीक है एक ही ब्रांच की बात करिए, पांच कार्बन है 1 2 3 4 5 रूट वर्ड पेंटेन और एल्कोहलिक ग्रुप से कार्बन पे दो नंबर थ्री मैथिल पेंटेन टू और इंग्लिश में लिखेंगे थ्री मैथिल पेंटेन टू और ये नेमिंग हो गई, ठीक है कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं, एक और कर लेंगे उसी दिन ये लिख लेंगे सी एस थ्री सी सी एल सी ओ एच यहाँ मैं लगा देता हूँ एच एच सी एस ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आप देखिए कॉमेंट कर सकते हैं क्यों के चार कर, ठीक है ये हमारा ब्रांच हो जाएगा क्यों क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है इसकी वरीयता क्या है कम है, ठीक है तो ये ऐसे ब्रांच भी होगा, ठीक है ये क्या है शाखा है, ठीक और हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह है मेन फंक्शन क्या है वो है एल्कोहल, ठीक अब क्या है ब्रांच है ना,
का नाम मिला है, इधर से हम कंप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट को ग्रुप मिला है और क्लोरीन ग्रुप की नंबर मिला है, तो वही फैक्ट किया जा रहा है, एल्कोहल की जा रहा है, इसकी वजह से हम यही काम के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे जो निम्न है थ्री क्लोरो देखिए थ्री क्लोरो ग्रुप और ब्यूटेन और फिर टू और ठीक है इसी में लिखेंगे तीन क्लोरो चार कारण है कंप्यूट तीन नंबर पर